वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि उनके सपनों में भी आप आते हो। व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई गेट अ वाइब कि आप अपने पर्सन के थॉट्स में बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट हो। जी हाँ, वो आज भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। शायद आप लोगों के सेपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इसलिए उनके दिल में आपके लिए काफी ज्यादा अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स हैं जिनका आंसर्स वो खोज रहे हैं। दिस पर्सन जस्ट कांट लेट गो ऑफ यू और उनके दिल में आज भी ये होप है कि आप लोग वापस अपना कनेक्शन कभी रिकनसाइल कर पाओ एंड सारी बुरी चीजें भुलाकर फिर से एक हो जाओ। I get a strong feeling here कि आप लोगों का separation का कारण यही था कि आपका person काफी ज़्यादा indecisive था और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस relationship के towards उनका approach आखिर क्या है। उनकी side से commitment issues काफी ज़्यादा थे, इसलिए शायद आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई भी होती थी। इन सब चीजों की वजह से आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप हो चुकी थी एंड आप लोगों का कनेक्शन एक बहुत ही रफ पैच से गुजर रहा था। आपका पर्सन बहुत इमेच्योर भी था आप लोगों के रिलेशनशिप के टाइम पे एंड दे वर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन यू। तो आप जब उनकी जिंदगी से चले गए तो उनको इनिशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई बट इस चीज ने उनको काफी मेच्योर भी बनाया। प्रेजेंट टाइम में आपका पर्सन काफी ग्रो किया है एंड उनके अंदर काफी सारी पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। रिसेंटली आपके पर्सन के साथ एक ऐसा कुछ हुआ है जिन्होंने उनको काफी शॉक दिया है और उस चीज ने उनको काफी मेच्योर भी बनाया है। आपका पर्सन थोड़ा सेल्फिश टाइप का इंसान था जब आप लोगों में कनेक्शन था। उनका अपने अलावा किसी और चीज से ज्यादा मतलब नहीं था बट अभी रीसेंट इंसिडेंट्स के चलते उनमें बदलाव आए हैं और वो इस पॉइंट पर एक मेच्योर एंड एनालिटिकल पर्सन है। आपका पर्सन थोड़ा इनसेंसिटिव भी था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि उनमें पैशनेट फीलिंग्स तो बहुत थी बट कंपैशन एंड एम्पैथी ही बहुत कम थी। वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करते थे एंड अपने इमोशंस को डिस्कार्ड कर देते थे बट इन रीसेंट इंसिडेंट्स ने उनको ये लेसन दिया कि फीलिंग्स एंड इमोशंस को कभी भी अनरिजॉल्व नहीं रखना चाहिए। उनको टाइम रहते ये समझ नहीं आया था कि आप दोनों का कनेक्शन आखिर कितना डीप है और आप कितने जेन्युइन किस्म के इंसान हो। आप जब नेक्स्ट अपने पर्सन से बात करोगे या फिर सब सॉर्ट आउट होगा तब आप देखोगे कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव बन चुके हैं और बहुत ज्यादा वोकल हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो कम्युनिकेशन जो आप दोनों के बीच में लैक करता था वो काफी ज्यादा ओपन अप हो जाएगा एंड इससे काफी सारे इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। आई ऑल्सो गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपने बहुत कोशिश की उन्हें पूरी तरह जानने की, उनके साथ तक जाने की बट वो कभी उतना ओपन अप नहीं हो पाए। आपके पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक एंड अहंकारी इंसान हैं और ये उनकी फीलिंग्स को ब्लॉक कर देता था। उन्हें हमेशा से ये लगता था कि वो अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ को अगर सामने लाएंगे तो शायद लोग उन्हें जज करेंगे। दे वॉन्टेड टू बी परफेक्ट इन एवरीवन्स आईज बट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता एंड सब में कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं, ये आपके पर्सन भूल गए थे। ये चीज़ आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी ला रही थी। आपने उनको समझने की कोशिश भी की बट उन्होंने आपकी एक ना सुनी एंड ये सब रीजन मिलाकर आप लोगों में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आप एंड आपका पर्सन दोनों ही किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो एंड आपका वर्क लाइफ ही आप दोनों के पाथ को दोबारा मिलाएगा। आप दोनों शायद नियर फ्यूचर में किसी सेम प्रोजेक्ट या ऐसे कुछ पर काम करो जहाँ आप दोनों को एक दूसरे को जानने का दोबारा मौका मिले एंड दिस टाइम इट विल बी अ लॉट बेटर क्योंकि जैसा मैंने पहले ही मेंशन करा कि आपका पर्सन एक काफ़ी मैच्योर इंसान बन चुका है जिसने लाइफ में अपने लेसन सीख लिए हैं। इंसान तो आखिर धक्के खाकर ही सीखता है ना। आपको शायद इनिशियली लगे कि आपका पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या फिर उनकी रिसेप्टिवनेस एंड ग्रोथ सारा सब कुछ फेक है बट ऐसा सच में नहीं है। वो सच में बदल चुके हैं
और काफी मैच्योर हो चुके हैं एंड ये सब उनके दिमाग में भी चलता है। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक थिंग्स स्लो, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता एंड ये एक फैक्ट है। उनके माइंड में जो भी मैंने अब तक बोला ये सब चलता रहता है। वो अपने पास्ट चॉइसेस एंड डिसीजंस को हमेशा क्वेश्चन करते हैं एंड आप पे आके वो रुक जाते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि शायद आप ही वो एक राइट चॉइस हो जो उन्होंने अपनी लाइफ में ली थी, पर अपनी इमेच्योरिटी एंड इग्नोरेंस की वजह से उन्होंने आपको भी खो दिया। ये सब मिला के एट दिस पॉइंट आपका पर्सन काफी ज्यादा उलझा हुआ है एंड ये सारी बातें उन्हें काफी ज्यादा परेशान करती हैं। ये शायद सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा बट आपका ख्याल उन्हें सोने नहीं देता। इट इज लाइक दिस कि उनके दिल के रास्ते को एक दीवार ब्लॉक कर रही थी एंड अब वो दीवार टूट चुकी है एंड अब आपका पर्सन खुल के सब कुछ एक्सप्रेस कर सकता है एंड दे आर प्रिटी एक्साइटेड टू शो यू हाउ मच दे हैव ग्रोन। वो आपसे दोबारा नियर फ्यूचर में मिलना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि वो एक बेटर पर्सन है एंड वो पहले जैसे नहीं रहे। आई टोटली गेट द वाइब कि आप भी काफी एक्साइटेड हो इस बात को लेकर, राइट? मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आपका पर्सन यही सोचता है कि दिस टाइम वो होल्ड ऑन करेंगे एंड आपको जाने नहीं देंगे। वो दोबारा आपको खोना नहीं चाहते एंड अपनी सारी गलतियां वो सुधारना चाहते हैं और ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि ऑनेस्टली गलतियां तो हम सभी करते हैं, बट उनसे लेसन्स लेके नेक्स्ट टाइम अपनी गलतियां रेक्टिफाई करना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज होती है एंड ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप एक स्टेप ले रहे हो टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। आप दोनों जब एक दूसरे से दोबारा मिलोगे तो आपका पर्सन सबसे पहले यही बोलेगा कि उन्होंने अपने आप को आपसे छुपा के रखा था। वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आपके सामने नहीं लाए क्योंकि उनका ईगो एंड प्राइड काफी बढ़ चुका था। वो आपसे ये भी कहेंगे कि वो आपकी हाँ की उम्मीद में रहेंगे और वो आपके लिए वेट करेंगे बिकॉज ये होने के हाई चांसेस हैं कि जब वो रेडी हो टू गेट बैक टूगेदर तब शायद आप रेडी ना हो। इनफैक्ट वो अभी ये वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें सटल हिंट्स दो सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड कम क्लीन टू यू। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन करा था, आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जिनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना या उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। आपसे तो वो फिर भी ओपन अप कर लेंगे बट किसी और से वो ओपन अप भी बिल्कुल नहीं कर सकते एंड जब कोई आपको मेंशन करता है तो उनके दिल में जो भी चल रहा होता है वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते and that is quite understandable. आपका person थोड़ा introverted है and that is the reason why they have these issues. वो आपसे confess करेंगे that वो काफी exhausted है अपनी life में and काफी थक चुके हैं dead end को chase करते करते and वो अपनी life में stability वापस लाना चाहते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप बहुत ही अच्छे हो and शायद वो आपको deserve ही नहीं करते, फिर भी वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप उनको एक ऐसा कामनेस फील कराते हो जो शायद कोई भी नहीं करा पाता। आपका पर्सन लाइफ में एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से रिसेंटली गुजरे हैं एंड इस रीजन से वो अभी अपने हीलिंग प्रोसेस में हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि उनके सपनों में भी आप आते हो एंड ये कोई मस्का लगाने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है बिकॉज वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। आपका पर्सन इस बार आप दोनों के कनेक्शन पे गिव अप नहीं करेगा एंड वो पूरा एफर्ट्स डालेंगे टू सेव दिस रिलेशनशिप। उनका ट्रांसफॉर्मेशन शॉकिंग है बट इन अ पॉजिटिव वे। आप लोगों को फाइनली वो खुशी मिलेगी जिसके आप लोग हकदार हो एंड दिस टाइम आप भी बहुत लव एंड रिस्पेक्ट रिसीव करोगे फ्रॉम हिज एंड। अपार्ट फ्रॉम बींग पैशनेट टूवर्ड्स यू, आपका पर्सन आपके प्रति एम्पथी एंड कंपैशन भी शो करेगा because they know how much important they are in a relationship. Just wait for the right time and you will see the results.
मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। फ्रेंडशिप, फेरीज और ह्यूमंस दोनों को फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि ये टाइम है उन फ्रेंड्स की सपोर्ट सीख करने का जो आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट और एनकरेज करें, ताकि आप अपने सपनों की तरफ आराम से कदम बढ़ा सकें। उनके दिल में आपकी क्या छवि है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।